अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूँ शफीक शुजात। नाज़रीन, हम साहिवाल शहर में मौजूद हैं और यहाँ एक अलहदा हट के काम करने वाला नौजवान, पठान नौजवान है, उसके साथ हम खड़े हैं। इसने रक्शे को एक रेड़ी की स्टाल की शक्ल दे रखी है और ड्राई फ्रूट जो है वो सेल कर रहा है। ये सर्दियों का ये मौसम है और सर्दियों के मौसम में जो ड्राई फ्रूट है इसकी जो सेल है वो ज़्यादा होती है। ये आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, तकरीबन 20 किस्म के ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो खान साहब के पास मौजूद हैं। तो इसके अलावा हम खान साहब से बातचीत करेंगे कि रक्शे पे आपने अजीब सेटअप बना रखा है, कितनी बचत हो जाती है, नौजवान है और ये कारोबार कब से कर रहा है। तो हमारे जो यानी पंजाबी नौजवान है, पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये ज़ाहिर है बच्चा पेशावर से आके यहाँ कारोबार कर सकता है, तो हमारे पंजाबी नौजवान जो है वो शर्म क्यों महसूस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम खान साहब। खान साहब, ये बताइए कि आप ये जो काम कर रहे हैं ड्राई फ्रूट का, तो ये इसमें कितनी बचत हो जाती है आपको? इसमें 2000 बचत होता है। 2000 रोजाना की बुनियाद पे? हाँ, रोजाना की बुनियाद। अच्छा, तो आप वैसे खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, जिस तरह खान साहब आपने सेटअप बनाया हुआ है, तो ये होता ये है कि नौजवान 4-5 इकट्ठे आते हैं और आके चेक करना शुरू कर देते हैं, खाया पिया और कुछ नहीं लेते और चले जाते हैं, ऐसे होता है? हाँ, ऐसे तो बहुत होता है, ये तो इधर में सहवाल शहर में ये बहुत होता है। अच्छा, तो फिर लड़ाई झगड़ा भी उनसे होता होगा? हाँ, ये तो बहुत, यकीन करो हफ्ते में 4-5 दफा ऐसे लोग आता है। अच्छा, फिर उनसे लड़ाई झगड़ा, तो फिर क्या होता, मार पड़ जाती है कि उसको मारते हैं? फिर उसको बोल दिया बस चल जाओ, ये भी इनका हो बस जाओ। अच्छा, हाँ, तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है? हाँ, फायदा इसका कम है, जब भी इसको फायदा इस वजह से कम है, इधर सारा लोग चेक करता है। अच्छा, लेना नहीं है इधर, आइए, ये किस तरह अखरोट, किस तरह एक अखरोट जाएगा, एक जाना 20 रुपए का। अच्छा खान साहब, उम्र कितनी है आपकी? मेरा उम्र 15 साल। 15 साल? हाँ, 15। अच्छा, आपका नाम? हसन। तो हसन बेटा, आपकी जो उम्र है ये तो पढ़ने की है, तो हाँ, आप पढ़ने का काम छोड़ के आप ये दुकानदारी कर रहे हैं, तो ये क्यों? बस मजबूरी है। नहीं, पढ़ने का दिल नहीं करता? पढ़ने का दिल नहीं लगता। क्यों? 2 साल पढ़ेगा फिर ये सही है। स्कूल मेरा चाचू भी पढ़ेगा 12 साल। अच्छा अच्छा, वो 12 साल वो भी ये काम करते हैं, स्कूल का की पैदा हो गया। अच्छा अच्छा, हसन आपका ताल्लुक है ये खैबर पख्तूनख्वा से? हाँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा। किस इलाके से? पेशावर क्वाड अड्डा। अच्छा, आपने एक बात तो नोट की होगी, यहाँ जो पंजाबी नौजवान है, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं 15-16 साल के, वो आवारा गर्दी ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते। आपके जो पठान बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, काम करते हैं, ये बात सच्ची है? हाँ, ये तो सच्ची है। किसी ने जर्सियां लगा रखी हैं, कोई जराबे बेच रहा है, कोई काम कर रहा है। हाँ, हाँ, तो आप जो है इनको पंजाबियों को क्या मशवरा देंगे? बस पंजाबी लोग तो ये काम नहीं करते, पंजाबी लोग स्कूल पढ़ता है। स्कूल पढ़ता है? हाँ, तो आप लोग ये काम करते तो हैं। आप भी पढ़ लो ना। मैं तो नहीं पढ़ता, प्रधान लोग स्कूल में शौक नहीं होता है। अच्छा, पढ़ाई का शौक नहीं? हाँ। अच्छा हसन बेटा, ये बताइए कि आपके पास कितनी किस्म के जो ड्राई फ्रूट पड़े हैं इस वक्त? मेरे पास कम अज कम 20-25 किस्म ड्राई फ्रूट। इस वक्त 20-25 किस्म के ड्राई फ्रूट पड़े हैं ऐसे ही? हाँ जी। ये बादाम जो है ये तकरीबन 3 किस्म के मुझे नजर आ रहे हैं। 3 किस्म के नजर? अच्छा, तो ये सारे कागजी बादाम है? नहीं, वो एक किस्म है वो सख्त है। अच्छा, ये 2 किस्म है, ये कागजी बादाम है। अच्छा, ये इतनी चीजें जो पड़ी हैं, इनमें से सस्ती आइटम कौन सी और महंगी से महंगी आइटम कौन सी है? सस्ती से सस्ती आइटम चने सस्ती 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो। और महंगी से महंगी आइटम? महंगी से महंगी चीज पिस्ता है। अच्छा, वो पिस्ता और काजू, ये महंगी आइटम है? हाँ, ये महंगी। अच्छा, पिस्ते का क्या रेट चल रहा है? पिस्ते का 3200 रुपए किलो। 3200 रुपए किलो। और काजू भी 3200 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, तो आपकी कौन सी चीज इन चीजों में सबसे ज्यादा सेल हो रही है? सबसे ज्यादा मैं अखरोट का चीज सेल ज्यादा होता है। अखरोट ज्यादा सेल होते हैं? अखरोट ज्यादा। अच्छा, और आजकल तो ज़ाहिर सर्दियाँ चीजें सेल होती हैं, फिर इनका जब सर्दियों का सीजन ऑफ हो जाता है फिर आप क्या सेल करते हैं? फिर मैं लोड का काम करता है, लोडिंग शावर में। अच्छा, फिर वापस चले जाते हैं? हाँ, वापस चले जाते हैं। बस ही आप यहाँ 3-4 महीने गुजारेंगे? हाँ, 3-4 इधर सर्दी का सीजन है, ये खत्म हो गया फिर पेशावर जाता है। अच्छा, तो अच्छा, आप कोई बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के रास्ते से जो हमारे नौजवान हैं, आप जितने जो बच्चे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं? किसी किस्म का भाई, आप ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं तो इनको भी आप कहें ना कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत ही से मेहनत तो है, जब घर पे बैठ गया वो सही नहीं होता है। सही नहीं होता? एक साल घर पे बैठो, 2 साल घर पे बैठो, सारा उम्र तो घर पे नहीं बैठ जाएगा। बिल्कुल, काम तो चाहिए। आवारा गर्दी से बेहतर है अपना के बंदा कोई ना कोई काम कर ले। हाँ, कोई काम करते हैं
और आपको 2000 बचत हो जाती है। 2000 बचत हो जाती है और इसका मतलब है कि आप 50-60 हजार महीने का कमा लेते हो। खर्चा निकाल के। खर्चा निकाल। अच्छा, ये अखरोट का क्या रेट चल रहा है? अखरोट 800 रुपए किलो चल रहा है। 800 रुपए किलो। और इससे पहला नहीं है, इससे पहला 20 दिन पहला ये 600 रुपए किलो है। अच्छा, अब ये अखरोट 800 रुपए किलो है, मेरे पास वो माल पड़ा है। यानी रेट चेंज होता रहता है, फर्क पड़ता रहता है। सिर्फ अखरोट का रेट चेंज होता है, बाकी चीजें वही हैं। बाकी चीज वही है। ये आप खरीद के कहाँ से लाते हैं? मैं ये पेशावर से ले जाता हूं। अच्छा, इधर से नहीं खरीदते? लाहौर से वगैरह से नहीं खरीदते? इधर से नहीं। पेशावर से इकट्ठा माल लेके आते हैं आप? हां, स्टॉक करते हैं। हां, चलो ठीक है। नाज़रीन, आपने हसन जो कि 15 साल का बच्चा है, खां बच्चा है, पठान बच्चा है, और इसका कहना ये है कि मैं सुबह से शाम तक ये रक्शे पे ये काम करता हूँ, ड्राई फ्रूट बेचता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन एवरेज मेरी 2000 प्रॉफिट बनता है। जबकि इनका ये पैगाम ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ के रहने वाले बच्चे, कि मेहनत करें, मेहनत ही में इंसान को जो कामयाबी का राज है, मेहनत ही में पोशीदा है, और मेहनत ही से इंसान को कामयाबी मिलती है। आप एक दिन फारग रहेंगे, 2 महीने फारग रहेंगे, बिल आखिर आपको काम करना होगा। ये कहता है कि पहली बात तो अच्छी बात तो ये कि पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ते नहीं हो तो काम ज़रूर करो, काम ही में अजमत है, और काम ही से इंसान को वकार भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, और इंसान की मसरूफियत भी जो है वो बनी रहती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर कहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शफीक शुजात को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और के साथ। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।